हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ शमशेर पीजीटी मैथ्स. बेटा, 11th क्लास में चैप्टर सेकंड में एक्सरसाइज 2.3 हमारी रनिंग में थी. इस एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे. अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9th. 8th क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी डोमेन. डोमेन का मतलब होता है कि एक्स कहाँ से बिलोंग करता है. फिर से एक बार बता देता हूँ, आपसे पूछी गई थी डोमेन, और डोमेन का मतलब ये होता है कि एक्स किस किस एलिमेंट से बिलोंग करता है, उनको डोमेन बोलते हैं. अब पूछी जाएगी बेटा रेंज. रेंज का मतलब है कि एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद वाई की वैल्यूज क्या होंगी, उनको रेंज कहा जाता है. क्लियर हो गया? अब देखिए, हम एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से तसलीस करते हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा फोन निकल लिए, व्हाट्सएप से पूछिएगा. 9th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. वाई इज इक्वल्स टू, या एफ एक्स इज इक्वल, कुछ भी लिख लीजिए, रूट ऑफ एक्स माइनस 5, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. अब एक्स की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर क्योंकि गिवन है, क्योंकि ये रूट है, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए. एक्स की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 0, और 5 से बड़ी पुट करोगे तो पॉजिटिव. तो 0 या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो अगर आपसे डोमेन पूछी जाए तो ये तो होगी आपके पास डोमेन, लेकिन आपसे पूछी गई है रेंज. तो सुनिए, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5. जब एक्स की वैल्यू कम से कम 5 है, देन वाई इज इक्वल्स टू 0. तो वाई की वैल्यू 0 है. क्लियर हो गया? एंड व्हेन एक्स 5 से बड़ा होता है, जब एक्स की वैल्यू 5 है तो वाई की वैल्यू 0 है, और जो ही एक्स 5 से बड़ा होगा त्यों ही वाई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्योंकि आगे कोई भी सिंबल नहीं है. तो प्लस तो अंडरस्टूड है, प्लस का सिंबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है. क्लियर है? तो इसका मतलब वाई पॉजिटिव है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई 0 या 0 से बड़ा है. इट मीन्स वाई बिलोंग करेगा 0 टू इन्फिनिटी के इंटरवल में, और जहाँ पे वाई बिलोंग करती है उसको रेंज बोलते हैं, 0 टू इन्फिनिटी. क्लियर हो गया? और ये थी आपके पास डोमेन, ये आपके पास है डोमेन, पूछ भी ली जाए तो, लेकिन पूछ ही नहीं. क्लियर? इसके बाद चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट में. इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, वाई इज इक्वल्स टू के माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस के, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू के. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन. तो एक्स की वैल्यू के नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है. तो ये तो आपके पास है डोमेन, दी हुई है. अब आपने बतानी है रेंज. तो देखिए, मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन लूंगा तो एक्स माइनस के हो गया, और नीचे भी एक्स माइनस के हो गया. अब एक्स की वैल्यू के अलावा कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि के लेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी. के अलावा कुछ भी ले लेंगे तो रिजल्ट आपका हमेशा -1 आया, यानी कि वाई की वैल्यू -1 आई. और जो वाई की वैल्यू होती है, वाई क्या होती है, रेंज. इसका मतलब रेंज है ना, वो केवल और केवल एक ही रिजल्ट आएगा. आप कुछ भी ले लें एक्स की वैल्यू के अलावा, रिजल्ट हमेशा -1 आएगा. और जब जो रिजल्ट होते हैं, जो वाई की वैल्यूज होती है, वो ही क्या होती है बेटा, रेंज होती है. क्लियर हो गया? अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, बिल्कुल तसल्ली से बताएंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा. अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में. देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, लेकिन एक्स की वैल्यू 4 नहीं होगी, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 4 हो गई तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो आपसे पूछी नहीं गई, अगर आपसे डोमेन पूछी जाए तो ये तो होगी डोमेन, लेकिन आपसे पूछी गई है रेंज. तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, ऊपर फैक्टर कर दें, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4. अब एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 क्या हो गया, कैंसिल. क्या बच गया, एक्स प्लस 4. यहां तक क्लियर है? इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 4 नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट वाई इज नॉट इक्वल्स टू 8.
इसका जब एक्स की वैल्यू 4 नहीं हो सकती तो इसका मतलब वाई की वैल्यू 8 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई बिलोंग करेगा किसी भी रियल से, किसको छोड़ के, 8 को छोड़ के। और जहाँ पर वाई बिलोंग करता है बेटा, वही क्या होती है, रेंज। तो रेंज होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग ओनली सिंगल एलिमेंट 8। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट में। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक्स की वैल्यू जो हम ले सकते हैं वो होता है डोमेन, और एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो होंगे रेंज। दूसरी बात, रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। दो बातों का विशेष ध्यान रखिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, और आगे दिया हुआ है कि एक्स का मॉडुलस 3 या 3 से बड़ा हो। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स है ना, वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 और 3 से इन्फिनिटी, यहाँ पे बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया? यानी कि ये तो आपके पास है डोमेन, ये है ना, ये आपके पास क्या दे रखी है, डोमेन दे रखी है। क्यों? आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 3 से छोटी रखेंगे, माइनस 3 और 3 के बीच में, तो इसका मतलब ये रूट में नेगेटिव हो जाएगा। रूट में नेगेटिव नंबर होने का मतलब रियल नहीं होता, क्या होता है, इमेजनरी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब सुनिए, इफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 3 और माइनस 3, एक्स की वैल्यू प्लस 3 या माइनस 3 पुट करते हैं, देन वाई इज इक्वल्स टू 0। तो वाई की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 0 आती है। क्लियर है? लेकिन अब आप एक बात के ऊपर ध्यान दें कि इफ एक्स या तो 3 से बड़ा या एक्स माइनस 3 से छोटा, स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, देन वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब इसका मतलब वाई 0 या 0 से बड़ा है, इट मीन्स वाई बिलोंग करेगा 0 टू इन्फिनिटी के ओपन इंटरवल, 0 की तरफ, 0 तो वैल्यू होगी भाई। तो इसका मतलब जहाँ पर वाई बिलोंग करती है वो क्या होती है भाई, रेंज। और बेटा जब रूट से आगे कोई सिंबल ना हो, इट मीन्स पॉजिटिव अंडरस्टूड है। क्लियर हो गया? इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर फिफ्थ में। फिफ्थ पार्ट में देखिए, आपसे जो फंक्शन दिया वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 का मॉडुलस, हालांकि बता नहीं रखा एक्स तो बिलोंग करेगा हर रियल नंबर से, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस तो नेगेटिव का भी होता है, पॉजिटिव का भी होता है, जीरो का भी होता है। तो अगर पूछे तो ये तो आपके पास होगी डोमेन। क्लियर है? अब जिक्र है रेंज का। तो देखिए, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 7, अगर आप एक्स की वैल्यू 7 लेते हैं, देन वाई इज इक्वल्स टू 0, तो वाई की वैल्यू 0 है। और इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 7, अगर एक्स की वैल्यू 7 नहीं है, 7 के अलावा चाहे कुछ भी ले लो, अंदर चाहे नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव, लेकिन जब मॉडुलस करेंगे तो वाई तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अंदर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, लेकिन मॉडुलस भी करोगे तो मॉडुलस का क्या काम होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखना। तो इसका मतलब वाई 0 या 0 से बड़ा है, इट मीन्स वाई बिलोंग करेगा 0 टू इन्फिनिटी। ध्यान रखिए, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ कभी क्लोज इंटरवल नहीं होता, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई वैल्यू फिक्स थोड़ी है, ये तो एक इनफाइनाइट, यानी कि उधर अनंत आप चलते जाओ, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? इनफाइनाइटली चलते जाओ ये। तो जहाँ पर वाई बिलोंग करता है वो आपके पास क्या होगी भाई, रेंज। तो बेटा रेंज आपके पास होगी 0 टू इन्फिनिटी। इसके बाद चलते हैं हम इसके सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट ध्यान से देखिए, वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो अगर डोमेन तो पूछी जाए तो एक्स बिलोंग करेगा हर रियल से, बता नहीं रखा हम आपको वैसे बता रहे, क्यों, क्योंकि इसमें रूट तो है नहीं, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू कम से कम क्या होगी, 0 या पॉजिटिव, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता।
तो यानी कि डोमेन तो आपके पास हो जाएगी एवरी रियल नंबर। ठीक है, दो बातों पे ध्यान दें, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो, रूट में नेगेटिव नहीं हो, कल आपको अच्छे से बताया गया था। अब इसके बाद बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस वाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है। अब वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और एक्स में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो या जीरो से बड़ा हो। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा वन, माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा फोर वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे वन माइनस टू वाई इंटू वन प्लस टू वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अब आप साइड में लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इस लाइन पे ये जीरो कहाँ होता है, वन बाई टू पे, ये जीरो कहाँ होता है माइनस वन बाई टू पे। इसने लाइन के तीन इंटरवल्स कर दिए, अब लाइन के जो ये तीन इंटरवल्स हैं वहाँ पे आप चेक कीजिए, अगर माइनस वन बाई टू से छोटी वाली, जैसे माइनस वन ही ले ली तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेटिस्फाई नहीं करेगा, माइनस वन बाई टू और वन बाई टू के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए सेटिस्फाई करेगा, और वन बाई टू से बड़ी कोई भी नंबर ले लीजिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब वाई बिलोंग करती है, कहाँ बिलोंग करती है, माइनस वन बाई टू से प्लस वन बाई टू पे, क्लियर। माइनस वन बाई टू से प्लस वन बाई टू के क्लोज इंटरवल पे बिलोंग करेगा, और जहाँ वाई बिलोंग करता है वो क्या होती है रेंज, इसका मतलब जो रेंज है वो हो जाएगी माइनस वन बाई टू से प्लस वन बाई टू का क्लोज इंटरवल। ये बेटा आपके पास आंसर है, शायद क्लियर हो गया होगा। फिर से बताता हूँ आपको, दे रखा था वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो या जीरो से बड़ा हो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ए की वैल्यू वाई है, बी की वैल्यू माइनस वन है, सी की वैल्यू फिर वाई है, इसमें पुट कर दिया, यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फैक्टर कर दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये जीरो होता है वन बाई टू पे, ये होता है माइनस वन बाई टू पे, कल हमने डोमेन में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे। लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट ले लो, तीन इंटरवल्स हो गए, तीनों इंटरवल्स पे चेक करो ये जीरो या जीरो से बड़ा कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये है सही बिल्कुल। तो माइनस वन बाई टू भी ले सकते हैं, प्लस वन बाई टू भी ले सकते हैं, और इनके बीच के नंबर भी ले सकते हैं, और जहाँ पर वाई बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं रेंज। क्लियर हो गया बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे दोनों चीजें पूछी गई हैं, डोमेन भी और रेंज भी। देखिए सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है फंक्शन दिया वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 36 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6, और ये दे भी रखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 6, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये तभी हो सकता है जब क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप यहां लिखेंगे वाई इज डिफाइंड इफ, दो बातें बताइए, रूट में नेगेटिव नंबर ना हो, डिनोमिनेटर में जीरो ना हो। इफ वाई इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो,
एक्स माइनस सिक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू सिक्स, इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा किसी भी रियल से, किसको छोड़ के, सिक्स को, और जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है वो क्या होती है भाई, डोमेन। तो डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्टिंग सिक्स, सिक्स को छोड़ करके, क्लियर है। इसके बाद हम इसकी रेंज स्टार्ट करते हैं, तो फिर से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 36 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सिक्स। आप यहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फैक्टर कर दें एक्स माइनस सिक्स से, एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स से एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा कैंसिल, ये बच गया एक्स प्लस सिक्स। अब सुनिए, वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू सिक्स, एक्स की वैल्यू सिक्स नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वाई की वैल्यू ट्वेल्व नहीं है। जब एक्स की वैल्यू सिक्स नहीं हो सकती तो इसका मतलब वाई की वैल्यू ट्वेल्व नहीं हो सकती, इट मीन्स वाई बिलोंग करेगा किसी भी रियल से, किसको छोड़ के, ट्वेल्व को। और आपको बताया था जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है होती है डोमेन, और जहाँ पे वाई बिलोंग करता है होती है रेंज। इट मीन्स जो रेंज है वो हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्टिंग ट्वेल्व। तो ये डोमेन, ये रेंज, क्लियर हो गया। ये था फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, ध्यान से देखिए। y इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू माइनस एक्स एंड x इज नॉट इक्वल्स टू टू, वही पी अपॉन क्यू वाली बात आ गई। y इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई केवल तब डिफाइन करेगा क्योंकि जब भी कोई नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है तो ये कंडीशन होती है कि क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, इट मीन्स टू माइनस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, इट मीन्स एक्स की वैल्यू टू नहीं होनी चाहिए क्योंकि उधर जाके माइनस टू माइनस से माइनस कैंसिल होगी। इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा हर रियल नंबर से, किसको छोड़ के, टू को, और जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है वो क्या होती है, डोमेन। इसका मतलब आपके पास जो डोमेन है वो हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्टिंग टू। अब चलते हैं इसकी रेंज निकालने के लिए, फिर से वही फंक्शन लेते हैं वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू माइनस एक्स। मैं यहाँ से ऊपर से माइनस टू कॉमन लेता हूँ, तो टू कॉमन लेता था एक्स माइनस टू, और माइनस टू कॉमन ले लिया तो टू माइनस एक्स, और यहाँ भी तो टू माइनस एक्स ही है। अब टू माइनस एक्स से टू माइनस एक्स हो जाएगा कैंसिल, ये रिजल्ट बच गया माइनस टू। वाई की वैल्यू हमेशा माइनस टू आएगी, इट मीन्स जो रेंज है ना वो आपके पास केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगी माइनस टू। आप एक्स के लिए टू तो ले नहीं सकते, टू के अलावा चाहे कोई वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर, रिजल्ट हमेशा माइनस टू ही आएगा, तो वो आपके पास रेंज हो जाएगी, ये डोमेन थी, क्लियर हो गया। ये था इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपसे दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू माइनस मॉडुलस ऑफ x। देखिए दो बातें बताई हैं, रूट में नेगेटिव ना हो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो। फिर से बता देते हैं, रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, और दूसरा जब p अपॉन q की फॉर्म है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। दो बातें बताई हैं, रूट में नेगेटिव नंबर ना हो और डिनोमिनेटर जीरो ना हो। लेकिन ये तो मॉडुलस है, तो आप लिखेंगे वाई इज डिफाइंड फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल। वाई हमेशा डिफाइन करेगा, चाहे आप एक्स के लिए नेगेटिव लें, चाहे पॉजिटिव लें, चाहे जीरो लें। और एक्स जब रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब जो डोमेन है ना वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल। ठीक है, इसके बाद आगे, इफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो देन वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अगर एक्स की वैल्यू आप जीरो लेंगे तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी, कन्फर्म जीरो, क्योंकि प्लस माइनस की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती है। एंड इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो के अलावा चाहिए आप कुछ भी लो,
ये तो पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, आगे माइनस लगी हुई है तो वाई हमेशा नेगेटिव रहेगा। समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि एक्स का मॉडुलस एक्स ही होगा अगर वो जीरो या जीरो से बड़ा है तो, और माइनस एक्स होगा अगर वो जीरो से छोटा है तो। ध्यान दीजिए, फिर से बताता हूँ, अगर जीरो लेते हो तो जीरो का मॉडुलस क्या होगा? जीरो। वन का वन, टू का टू, थ्री का थ्री, यानी कि कोई साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव नंबर को, जीरो छोटे का मतलब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर आप कोई भी लेंगे जैसे माइनस वन माइनस टू, तो उसका मॉडुलस करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो इसका मॉडुलस माइनस एक्स, माइनस एक्स नेगेटिव नहीं है, एक्स खुद नेगेटिव है, उसके आगे माइनस लगाएंगे तो पॉजिटिव और बने, तो पॉजिटिव है लेकिन आगे तो माइनस लगी हुई है, तो कुल मिला के नेगेटिव हो गया। इट मीन्स वाई जीरो या जीरो से छोटा होगा, इट मीन्स y बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और y जहाँ पर बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो रेंज आपके पास हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से जीरो, इंटरवल हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हर पार्ट को बेटा ध्यान से करें, साफ और सुंदर करें, टॉपिक को समझ कर करें, रट कर ना करें, ठीक है? और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप फोन निकल लिया, व्हाट्सएप से बेटा पूछें, लेकिन काम को बहुत साफ सुंदर करें, फिर नोटबुक अपडेट करें। ओके, थैंक यू।